इंतखाब अहमद दिल अपना पाकिस्तान के साथ आज यहाँ पे सर लाइब्रेरी में डॉक्टर तालिब हुसैन सियाल साहब आए हुए हैं, जो कि अलामा इकबाल के बारे में मुहक्क हैं और उनकी ज़िंदगी पे किताबें भी लिखी हुई हैं और उनसे इंस्पायरेशन है इनकी। तो आइए इनके साथ बात भी करते हैं और अंदर जो मीटिंग हो रही है उस पर भी हम आपको रिपोर्टिंग करेंगे। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। और आप कोई पैगाम देना चाहेंगे वैंकूवर के और बल्कि इकबाल के जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक पैगाम चंद अल्फाज में? मैं वैंकूवर में जब आया, मैं सुबह सवेरे वॉक करने का बहुत आती जी जी जी, तो मैंने देखा कि इतनी यहाँ सफाई है, इतनी यहाँ कानून की पाबंदी है और हर शख्स के चेहरे पर तबस्सुम है। ये तो मुझे उस वक़्त महसूस हो गया जब मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे आया था कि हर शख्स मुस्करा रहा है और तावुन कर रहा है। ना कस्टम वालों ने कुछ हमसे पूछा, ना इमिग्रेशन वालों ने हमसे कुछ पूछा और हर शख्स तावुन कर रहा है। और फिर जब मैंने देखा कि अपने चेहरे अपने खत व खाल नज़र आए तो मुझे खुशी हुई कि ये अपने देश के लोग हैं, अपने पाकिस्तान के हैं, कुछ हिंदुस्तान के हैं। तो मुझे और खुशी हुई कि ये कनाडा की मईशत में भी इनका बहुत बड़ा मकाम है, कनाडा की ज़रात को आगे बढ़ाने में और कनाडा की मईशत को मजबूत करने में हमारे पाकिस्तानियों का और हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा काम है। तो मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा कि इकबाल को भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इकबाल भी एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने का सबक देते हैं। और एक बार ये कहते हैं कि इस दुनिया को जन्नत का नमूना बनाओ, सही व अमल करो, कोशिश करो। इकबाल हरकत के शायर हैं, तहरीक के शायर हैं। और वो जैसे इकबाल ने कहा कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साखी। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वहाँ की मट्टियों को ज़रखेज़ कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जैसे आप ने कहा कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा उसके लोगों के जो तरक्की के उन्हें बहुत ख्वाहिश है और उनके लिए सही हालात मैसर आने चाहिए, तो उसके बारे में कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसमें एक इज़्तिराब है, उनमें बेदारी पैदा हो गई है और जो एक इंटरनेशनल मीडिया है उससे नौजवान नस्ल बहुत वाकिफ हो गई है। और पाकिस्तान के नौजवान अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वो बैरूनी अलूम से इस्तेफादा कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो पहले कोताहियां थीं, जो गलतियां थीं, वो अब दूर हो रही हैं और नौजवान नस्ल में आगे बढ़ने की एक उमंग है, एक तरंग है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत मुल्क की हैसियत से उभरेगा और पाकिस्तान न सिर्फ एक एटमी ताकत ही रहेगा बल्कि वो एक माशी ताकत भी बनेगा। जी, माशी ताकत तालीम के साथ होगी। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। इंतखाब अहमद दिल अपना पाकिस्तान के साथ आज यहाँ पे सर लाइब्रेरी में डॉक्टर तालिब हुसैन सियाल साहब आए हुए हैं, जो कि अलामा इकबाल के बारे में मुहक्क हैं और उनकी ज़िंदगी पे किताबें भी लिखी हुई हैं और उनसे इंस्पायरेशन है इनकी। तो आइए इनके साथ बात भी करते हैं और अंदर जो मीटिंग हो रही है उस पर भी हम आपको रिपोर्टिंग करेंगे। वैंकूवर की जान, अभी 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 करवाता हूँ, अभी सब करवाता हूँ। अच्छा, खामोशी। जी, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज इकबाल एकेडमी में पाकिस्तानी कम्युनिटी और उर्दू और इकबाल को चाहने वाले लोगों के साथ यहाँ पे हम जमा हैं। मेरे साथ डॉक्टर तालिब हुसैन सियाल साहब हैं
और उर्दू एकेडमी के बहुत चीदा चीदा लोग हैं यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे इकबालियात पे बातें की। इनकी किताबों का एक का नाम है तसव्वुफ और इमरानी मसाइल इकबाल की नज़र में, और दूसरी है असवाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमगीर तहजीब। ये किताबें आप जब भी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। तो इकबाल ने जो खुदी का तसव्वुर पेश किया है वो सारा खुदा से ताकत बंदा हासिल करता है, वो आईन से, वो मजहब से मावरा नहीं है। इकबाल खुद कहते हैं कि आईन की पाबंदी से ऐशे दवाम जमाने में, आईन की पाबंदी से है ऐशे दवाम जमाने में, मौज को आजादियां समाने शेवन हो गई। जब दरिया में मौज आती है वो पाबंदी ना हो तो फिर वो बर्बादी पैदा करती है। तो इकबाल का जो ईगो का कंसेप्ट है वो ये है कि आप दूसरों के हकूक का भी ख्याल करें, जैसे मैंने कहा रिस्पेक्ट ऑफ योर ईगो एंड रिस्पेक्ट ईगोस इन अदर। तो कुरान मजीद में कहीं हमारे यहाँ रहबानियत का जिक्र नहीं है कि आप एक गोशा नशीन हो जाए। इकबाल ख्वाहिशात को मिटाने का मुफक्किर नहीं है, ये ख्वाहिशात को पैदा करने का मुफक्किर है। वो कहता है मकासिद को पैदा करें, ख्वाहिश को पैदा करें। और कई ऐसे मजाहिब हैं, कई लोग ऐसी तालीम देते हैं कि ख्वाहिश को आप मिटाएं, और ये ख्वाहिश जो है ये दुखों की वजह है। एक ख्वाहिश आपकी पूरी होती है फिर दूसरी ख्वाहिश उभरती है। तो ख्वाहिश के अलाव को आप न भड़काएं बल्कि ख्वाहिशात को आप मिटाएं। ये एक सूफी है, लाहौर के सूफी थे, उन्होंने ये कहा था कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है, आगे कोई तगोदो न करे अपने नसीब पर तगो। तो इकबाल ये नहीं कहता कि आप किनार कर लें अपनी तकदीर पर, क्योंकि उसके जमाने में ये भी एक कंसेप्ट आया था कि ये तकदीर है हमारे, ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इकबाल का जो ईगो है और कुरान का जो ईगो है वो हम आहंग है। देयर इज अ हार्मनी बिटवीन स्पिरिट ऑफ कुरान एंड इकबाल्स कंसेप्ट ऑफ ईगो। इकबाल्स कंसेप्ट ऑफ ईगो इज बाउंड विद मोरालिटी, विद रिलीजन, विद एथिक्स, विद रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। और वो इकबाल ने खुद भी वजाहत की है कि ये गरूर का नाम नहीं है। ये एक और बात जिसकी तरफ मैं आपने शायद इशारा किया, कई लोगों ने इस पर किताबें भी लिखी हैं कि इंसान ने अपनी ईगो को अब इतना बुलंद कर लिया है कि वो अपने आप को बड़ा समझने लग गया है और खुदा को इनकार भी करता है कि खुदा की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद इतने बड़े हो गए हैं, हमने बिजली बना दी है, हमने लहरों को कैद कर दिया है। तो इकबाल ने इस तरफ इशारा कर दिया था कि इंसान जो है वो इतना भी अपने आप को किब्रियाई ना पैदा कर ले कि उसकी जो ईगो है वो किसी खालिक, किसी मालिक, किसी मुदब्बिरे अमूर को भूल जाए। यही वजह है कि जो ईगो किसी कानून की, किसी मजहब की पाबंद नहीं होगी तो दे विल चेंज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली एज इट हैज बीन डन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इन यूरोप। इकबाल वाज रिस्पेक्टफुल टू द ट्रेडिशंस, टू द जो भी मजहब है, तमाम मजाहब हैं उनके इकबाल कहलते। तो ईगो का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल मदर पिदर आजादी हो और आप अपनी रिवायात को, जैसे इसको उनासियत परस्ती कहते हैं कि लोगों की जमहूरियत परस्ती कहते हैं कि जो लोगों ने फैसला कर लिया, कानून असेंबली ने बना दिया, चाहे वो रिवायात के खिलाफ हो, दे हैव चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, तो वो कहते हैं ये आजादी नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है, कम से कम मैं कह रहा हूं मुझे तो हला कर रख दिया है। मैं जितनी मेरी याददाश्त जाती है उसको सामने रखकर ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसा वक्त नहीं सुना आज तक जिस तरह इन्होंने इकबाल को पेश किया है, और जो हम इकबाल को समझते रहे हैं वो ऐसे जो कहते हैं कि मेरे तो वो कवाज खुल गए हैं, तो मेरे लिए तो वो कहते हैं हैट्स ऑफ, मेरे ऐसी ऐसी बात नहीं। और इकबाल एक नई चीज मेरे सामने तो आ गई है,
इसके एक तो ये कहना चाहता हूँ, दूसरा मेरा ख्याल जो आपने लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन जो यूथ फेस्टिवल की बोलने की आपकी बात है वो भी सबके सामने है कि ऐसे स्पीकर नहीं है। और मेरा तो सवाल सिर्फ यही है जी, सवाल नहीं है जी, वजाहत है जी, कि वो जो नज़म का एक आखिरी आपने कहा था ना जी, फिर उठी आकर तौहीद की सदा पंजाब से, हिंद को मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से, वो आजकल हिंदुस्तान में जो 550 गुरु नानक का वो बर्थडे है बड़ी वर्ल्ड लेवल पर मनाया जा रहा है, और करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, और उसमें ये जो है ये बहुत रिपीट किया जा रहा है वहाँ, लेकिन मुझे जब मैंने वो सारी नज़म पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि वो ज्यादा नज़म तो महात्मा बुद्ध के बारे में है, क्योंकि वो शुरू ही ऐसे होती है कि वहाँ कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, तो ऐसे वहां में भी गौतम के आते हैं, तो वो मैं जानना चाहता था कि क्या वो नज़म महात्मा बुद्ध पर है या गुरु नानक पर है या हिंदुस्तान के बाकी सारे बादशाह पर है, क्योंकि उसमें ऐसे भी है हुए बादशाह रहमत हुई लेकिन ज़मीन काबिल ना थी, कुछ ऐसी है, सो मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो नज़म किस पर है। आप ठीक कह रहे हैं, उसमें महात्मा बुद्ध का भी जिक्र है उस नज़म में, लेकिन उसका खुद इकबाल ने जो उन्वान दिया है वो नानक है, उसका जो उन्वान दिया है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने वो नानक है, तो इकबाल का फोकस जो है वो नानक पर है, लेकिन इंडिया में जितने भी राहबर आए हैं उन्होंने महात्मा बुद्ध की भी तारीफ की है और नज़म और एक अलग नज़म भी उन्होंने लिखी है महात्मा बुद्ध के बारे में, एक और नज़म भी उन्होंने लिखी है, और उसमें जो महात्मा बुद्ध का असल ये सब मुफक्किरीन का इत्तफाक है कि सबसे पहले जो बशरियत पर बशरियत पसंद थे वो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने इंसान को ही सब मकाम दे दिया, खुदा के बारे में खामोश हैं लेकिन उन्होंने इंसान के बारे, और जितने यहाँ आए यहाँ जितने टूरिस्ट आए उन्होंने फ्रांसीसी आए उन्होंने कहा कि जो मसावात का सबक है जो इंसान की इज्जत का सबक है वो गौतम बुद्ध ने पेश किया है। बहुत शुक्रिया। आपने जो खुदी की जो तफसील बताई है तो उससे जहन गया उस कुरान की आयत पर जिसमें ने कहा है वो नफ्सों व मासवाहा व अलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा क़द अफलहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा, तो इसके मुताबिक क्या हो जाए? ये मैंने बल्कि कई अपनी किताबों में इन आयात का हवाला भी दिया है, और अलामा इकबाल की कुरान मजीद से बहुत ज़्यादा उनको शगफ था और शौक था, कई उनके अशार जो हैं वो कुरान हकीम की तफसीर है। अब चूंकि वक्त आपका भी बहुत कीमती है लेकिन आपने बात छेड़ दी है तो मैं बयान करूँगा। ये जो इकबाल ने कहा कि वह नफ्स व मासवा के कसम है मुझे नफ्स की, नफ्स से मुराद है इंसान, और जैसे जिसने उसको खड़ा किया अल्लाह कसम उठा रहा है, वह नफ्स व मासवा, और वहां यह है वक़द ख़ाबा मन दस्साहा के जिसने नफ्स को दबा दिया, यानी खुद ही को जिसने दबा दिया, अपने आप को नुमाया नहीं किया, अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को दरियाफ्त नहीं किया, वो खत्म हो गया, वो मिट गया। कद ख़ाबा मन दस्साहा कद अफलहा मन ज़क्काहा, और जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया उसने अपनी शख्सियत को डिवेलप किया। इकबाल का और सूफिया का जो नुक्ता नजर है वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, आपने अपनी शख्सियत को डेवलप करना है, और किस तरह आपने शख्सियत को डेवलप करना है कि आप इस काबिल हो जाए कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एंड इकबाल वाज द पर्सन हु बिलीव्स इन बाईलेटरल रिलेशन विद ऑलमाइटी अल्लाह, वो यूनिलैटरल रिलेशन के कायल नहीं है कि हम खुदा से एक तरफा ताल्लुक कायम करें, बल्कि नहीं दो तरफा ताल्लुक हो, ऊपर से भी जवाब आए वो आपके बहुत करीब है, नानु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो आपकी शहलत से भी ज्यादा करीब है,
اور خدا سے عرش پہ نہیں بیٹھا. اقبال نے اس کی اپنے اشعار میں بڑی وضاحت کی ہے. اور ایک اور بات آپ کی بات سے بات نکلتی ہے, میں نے جب یہ شعر پڑھا کہ روزے حساب جب پیش ہو میرا دفتر عمل, تو بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر. تو میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی پوچھیں گے قیامت کے دن کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ لوگ تمہارا اور مریم تمہاری والدہ کی عبادت کریں پوجا کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, اللہ میاں اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا. سبحان اللہ. آپ اللہ میاں طرح دے جائیں گے اور اللہ میاں کہے گا اچھا ان بندوں کے ساتھ میں کیا سلوک کروں جنہوں نے عیسیٰ کو تمہیں اور تمہاری والدہ کو خدا بنا لیا معبود بنا لیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ ان تعذب ان تغفر لہم فإنہم عباد, اگر تو ان کو بخش دے تو تیرے بندے ہیں. نہ ان تغفر لہم فإنک غفور رحیم, کہ اگر تو ان کو بخش دے تو بڑا غفور اور رحیم ہے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں مجھے کیا ہے. مطلب ہے خود اللہ میاں کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے تو تم نے بنائے, یہ بندے ایسے بنائے ہیں آپ نے, اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. ذرا سوچ لیں, روزے حساب جب پیش ہو میرا دفتر عمل, تو بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر. کہیں گے سب فرشتے بھی کہیں گے یہ آدم ہے جس سے سجدہ کروایا تھا ہمیں, یہ ہے بحر و بر کا والی. تو اللہ میاں یہ اقبال نے جو کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ انسان کو بخش دیا جائے. علامہ اقبال کا تذکرہ یا ان کے اشعار اسی طرح سکولر یوز کرتے تھے اپنی تفاسیر یا حدیث یا اپنے مقالات جہاں بھی بولتے تھے جہاں بھی تقریر کرتے تھے. اقبال کا جو مقام اور مرتبہ ہے ان کے اپنے عہد میں بھی عیاں ہو گیا تھا. آل آباد یونیورسٹی نے ان کو اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی تھی, اور اسی طرح محمد علی جناح ہمارے جو پاکستان کے رہنما ہیں انہوں نے 1940 میں جو اقبال کی پہلی برسی منائی گئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر نئی بننے والی مملکت کی صدارت مجھے پیش کی جائے اور دوسری طرف اقبال کی کتابیں پیش کی جائیں اور مجھے انتخاب کا حق دیا جائے تو میں اقبال کی کتابوں کو ترجیح دوں گا. نشے بے دل میں جلا رہا ہوں شکستے حرف دعا کا منظر, بہت جدا تھا فروغ دن سے کمال شب میں خدا کا منظر. نشے بے دل میں جلا رہا ہوں شکست حرف دعا کا منظر, بہت جدا تھا فروغ دن سے کمال شب میں خدا کا منظر. اور دکھائی دینے لگا ہے مجھ کو سنائی دینے لگا ہے مجھ کو, دکھائی دینے لگا ہے مجھ کو سنائی دینے لگا ہے مجھ کو, کسی سخن میں تھا خامشی کے کسی کے عزم جدا کا منظر. دکھائی دینے لگا ہے مجھ کو سنائی دینے لگا ہے مجھ کو, کسی سخن میں تھا خامشی کے کسی کے عزم جدا کا منظر. اور تلسم صحرا تو تھا اسی سے درون محمل جو ساحرہ تھی, تلسم صحرا تو تھا اسی سے درون محمل جو ساحرہ تھی, سو چشم حیرت سے دیکھتا ہوں اب ایک شہر سوا کا منظر. تلسم صحرا تو تھا اسی سے درون محمل جو ساحرہ تھی, سو چشم حیرت سے دیکھتا ہوں اب ایک شہر سوا کا منظر. نشے بے دل میں جلا رہا ہوں شکست حرف دعا کا منظر, بہت جدا تھا فروغ دن سے کمال شب میں خدا کا منظر. اور ایک ابھی کانفرنس ہوئی تھی عالمی کانفرنس پاکستان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, اس میں فتح محمد ملک صاحب بڑے اقبال شناس ہیں میرے دوست ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی اقبال فراموشی اس لیے ہے کہ ہماری حکومت نے نصاب جو ہمارا تعلیم کا نصاب ہے اس میں سے اقبال کی نظمیں اور غزلیں نکالتی ہیں اور نئی نسل جو ہے اس کو ہم اقبال کی تعلیم نہیں دے رہے, کیونکہ اقبال جو ہے وہ استحصال کے خلاف ہے, اقبال جو ہے
کوئی ناانصافی کے خلاف ہے، اور یہ جو طبقہ جس کا کہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اقبال نئی نسل میں مقبول ہو. تو میں نے، میں بھی موجود تھا، اس ڈائلاگ تھا ایک ہمارا، میں نے کہا کہ سب سے زیادہ قصور اساتذہ کا ہے، جو ہم یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، جو سکولوں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں. پہلے ہمارے زمانے میں بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، اس میں خود اقبال کے بارے میں بتایا جاتا تھا. آج اساتذہ ٹیوشن کے پیچھے ہیں، وہ زر و سیم کے غلام ہو گئے ہیں، وہ بھی دوسروں کے ساتھ مل گئے ہیں. باقی قوم، چلو ایک استاد کا، ایک معلم کا ایک مقام پیغمبرانہ مقام ہے. تو ہمارے اساتذہ، ہمارے جو اقبال شناس ہیں، انہوں نے نئی نسل کو اقبال کے بارے میں بتایا نہیں، اور نئے طریقے استعمال نہیں کیے. آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، آج فاصلاتی ذرائع سے تعلیم پھیلانے کا زمانہ ہے. تو اقبال کے بارے میں نئی نسل جو ہے اس کو زیادہ اس لیے نہیں، ایک تو حکومت بھی اس میں، جو بھی حکومتیں آئیں، اب اقبال ڈے پہ چھٹی ہوا کرتی تھی پاکستان میں، وہ بھی ختم کر دی. تو ایک تو حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، اساتذہ میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. تیسری وجہ ایک اور بھی ہے کہ یورپ کا جو ایک مادیت پرستی کا دورہ ہے، کہ ہر انسان جو ہے وہ دولت اکٹھی کرنے پر اور اپنا معاشی مستقبل سنوارنے پر لگا ہوا ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اب پچھلے 5-6 سال میں، میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ، اقبال انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ، اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک شعبہ ہم نے قائم کیا تھا، اور میں اس کا 8 سال ڈائریکٹر رہا ہوں. میں نے نئی نسل میں سکولوں میں گئے، ہم کالجوں میں گئے، بنیر میں گئے، پشین میں گئے، راجن پور گئے، ہر گرو نانک کے شہر نانک میں گئے، ہر جگہ ہم نے اقبال کے پیغام کو پھیلایا. اقبال کے پیغام، اب پاکستان میں اقبال کا پیغام، ایک انقلاب تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک تبدیلی آئی ہے، اور لوگوں میں اقبال کے پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. اور ساری باتیں پاکستان میں غلط نہیں ہیں، پاکستان میں اچھی باتیں بھی ہیں. پاکستان میں اب 100 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، پاکستان میں اب معیار تعلیم، جو نئی نسل ہے اس کی معلومات بھی زیادہ ہیں، پاکستان کا معیار زندگی بھی بلند ہے. پاکستان کو بعض لوگ جو ہیں وہ جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ اتنی بھیانک نہیں ہے، اچھی چیزیں اوپر نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب اضطراب پیدا ہو گیا، اضطراب ہے، ایک تڑپ ہے، ایک بے چینی ہے، ایک بے قراری ہے. اور نئی نسل سے میں مایوس نہیں ہوں، میں اقبال کا نمک خار ہوں، اقبال کا مرید اور عقیدت مند ہوں. اقبال بھی امید والا دلاتے ہیں، اور وہ رجا کے مفکر ہیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں بہت شکریہ. پھر آپ اجازت دیں تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ارتعاش پیدا ہوا ہے اسی سے یہ کرسٹلائز ہوں گی جو نئے اصول جو ہیں. تو یہ ارتعاش ایک ایولوشنری پروسیس کا حصہ ہے، ایک ویریشن ڈیولپ ہوئی ہے، اسی ویریشن میں سے یہ چیزیں نکلیں گی. اور امید ہے کہ نئی حکومت کے آنے کی وجہ سے بھی اس کو فروغ ملے گا. کہ اقبال نے کہا کہ میں نے، مجھے اپنے والد نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح کہ ہر چیز تم سے مخاطب ہے. اور اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا جو ہے قرآن پہ فور اے براڈر ویو پیدا ہوا، اور ایوری تھنگ از انٹرسٹنگ. آئی تھنک یہی بڑا المیہ ہے اس وقت کہ میں نے خاصا قرآن پہ الیکشن سے اسٹڈی کیا ہے کہ وہ تمام، اگر آپ دیکھ لیں ترجمے اور تفاصیر، تو دے ٹرائی ٹو لاک اٹ ان سم پرٹیکولر سینچری اور سم اسکول آف تھاٹ ود دا بریکٹس. There is, it's a living message, universal message for all across. تو اس نقطے سے اقبال کا جو بھی آیات، سوری اشعار ہیں، اور جو ریلیٹ کر رہے ہیں آیات سے،
तो ऐसा कोई कंपाइलेशन है जिसको मैं इस्तेफादा कर सकता हूँ इससे, और इस पर आप भी शायद काम कर सकते हैं, माशाल्लाह आपने भी कुरान की आयतें भी कोट की हैं, तो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। ये चूँकि आखिरी सवाल है तो मैं भी अपने तासुरात बयान करना चाहता हूँ कि ऐसी थाट प्रोवोकिंग महफिल बहुत कम मेरी मेरे तजर्बे में गुजरी है। यहाँ अनवाओ अकसा मुतनव जिसको कहते हैं, ये एक मुतनव महफिल है और आपने बड़े अच्छे अच्छे सवाल उठाए हैं। पहली बात तो यह है कि ये किताब एक डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की है, इकबाल और कुरान जी, उसको आप पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं ये कहूँगा कि असल हमारा जो वीएन है या कुरान के बारे में जो हमारा नज़रिया है वो जामे नहीं है जी। असल में कुरान मजीद सिर्फ अरबों के लिए नहीं था, ये कुरान मजीद पूरी बनी नौ इंसान के लिए था। चलो इस ईद पे एक छोटी सी कुर्बानी और दें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज शॉर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए अपील है आपसे एक पाकिस्तानी की दूसरे पाकिस्तानी से। इस साल कुर्बानी के पैसे पाकिस्तान भेजें सिर्फ बैंक टू बैंक या क्रेडिट कार्ड से। आपकी ये छोटी सी काविश पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज को 50 मिलियन तक बढ़ा देगी। ये है मौका कुछ सॉलिड कर दिखाने का, पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान बनाने।